hello everyone we are reading sixth chapter this is jordis van from honeydew in previous sessions we read and discussed full chapter in english as well as in hindi now we will discuss its exercise in this session we will discuss exercise part 1 in this video we will discuss comprehension checks वन टू थ्री एंड वर्किंग विद द टेक्स्ट लेट्स स्टार्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक वन क्वेश्चन नंबर वन व्हाट हैड टू फादर के पिता को क्या हुआ आंसर जॉर्ड फादर हैड बिन बिटन बाय अ बायटल स्नेक जॉर्डी के पिता को एक विशेले सांप ने काट लिया था क्वेश्चन नंबर टू हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ हरिणी ने पेनी के प्राण कैसे बचाए आंसर द डो वास्किल्ड एंड इट्स हार्ट एंड लीवर वर यूज टू ड्रा आउट द स्नैक्स पॉइजन द स्पेनिज लाइफ वॉज सेव आंसर उत्तर द डो वास्किल्ड हरिनी को मार दिया गया एंड इट्स हार्ट एंड लिवर वर यूज्ड टू ड्रा आउट द स्नेक्स पॉइजन और इसके दिल तथा जिगर का प्रयोग सांप के जहर को बाहर निकालने के लिए किया गया द स्पैनिस लाइफ वाज सेव्ड इस प्रकार पैनी के प्राण बचाए गए क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम जॉडी हरिनी के बच्चे को घर क्यों लाना चाहता है आंसर मदर द लाइफ ऑफ जॉडीज़ फादर नाउ द मदरलेस इट इज़ श्योर टू डाई विदाउट इट्स मदर सो जॉडी वॉन्ट्स टू ब्रिंग इट होम टू लुक आफ्टर इट आंसर उत्तर द फांस मदर हैज सेव द लाइफ ऑफ जॉडीज़ फादर बच्चे की मां ने जॉडी के पिता के प्राण बचाए हैं। नाउ द फान इज मदरलेस अब उसकी मां नहीं रही अर्थात बच्चा मां के बिना रह गया इट इज श्योर टू डाई विदाउट इट्स मदर माँ के बिना वह अवश्य ही मर जाएगा सो जॉडी वांट्स टू ब्रिंग इट होम टू लुक आफ्टर इट ता इसलिए जॉडी इसे घर लाना चाहता है ताकि वह इसकी देखभाल कर सके क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डज जॉडी नो दैट फॉन इज मेल जॉडी को कैसे पता है कि हरिनी का बच्चा नर है आंसर द स्पोर्ट्स ऑन द फांस बॉडी आर all in a line but the dauphin the sports are every which way this helps you know that fawn is a male answer uttar the spots on the fawn's body are all in a line हिरन के बच्चे के शरीर पर सभी धब्बे एक सीधी रेखा में बट ऑन अ फॉन द स्पोर्ट्स परंतु हरिनी के मादा बच्चे के शरीर पर धब्बे भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं दिस हेल्प नो दैट फॉन इज मेल इसी बात ने यह जानने में जॉनी जॉडी की सहायता की कि बच्चा नर है मतलब उस फान के शरीर पर जो धब्बे थे वो सीधी रेखा में थे जिससे जॉडी को पता चला कि जॉडी मेल है कॉम्प्रीहेंशन चेक टू क्वेश्चन नंबर वन जॉडी डिडेंट वॉन्ट मिल विल विद हिम फॉर टू रीजन्स वट वर दे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर एक 조디 डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर टू रीजंस 조디 दो कारणों से मिलविल को अपने साथ नहीं रखना चाहता था व्हाट वर दे वे कौन से थे आंसर द टू रीजंस वर दो कारण थे नंबर 1 इफ द फॉन वाज डेड और कुड नॉट बी फाउंड मिल हैव सीन कु डिसअपॉइंटमेंट यदि हिरन का बच्चा मर गया होता या नहीं मिलता तो मिल जॉडी की निराशा को नहीं देख पाएगा नंबर टू इफ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सिक्रेट डैट जॉडी वुड नॉट बी रेडी टू शेयर इट नंबर दो यदि बच्चा वही मिल जाता तो उसकी जॉडी के साथ भेंट इतनी प्यारी और गुप्त होती कि जॉडी इसे बांटने के लिए तैयार नहीं होगा क्वेश्चन नंबर टू वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लिव जॉडी एलॉन मिलविल जॉडी को अकेला छोड़ जाने से क्यों डरता था आंसर ही वॉज अड जॉडी माइट गेट लॉस्ट ही माइट बी बिटन बाय द स्नेक टू आंसर उत्तर उसे डर था जॉडी गुम, गुम हो सकता है उसे सांप भी डर सकता है कॉम्प्रिहेंशन चेक थ्री क्वेश्चन नंबर वन हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फान बैक होम जॉडी हिरन के बच्चे को घर कैसे लाया आंसर जॉडी ब्रॉड द फान बैक होम पार्टली बाय लिफ्टिंग इट एंड पार्टली बाय मेकिंग इट वॉक आफ्टर हिम ऑन जॉडी हिरन के बच्चे को कुछ रास्ते उठाकर और थोड़ा रास्ता अपने पीछे चलाकर घर वापस ले आया क्वेश्चन नंबर टू जॉडी वॉस फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फान कैन यू फाइंड एट लीस्ट थ्री वर्ड्स और फ्रेज विच शोज हाउ ही फेल्ट क्वेश्चन नंबर टू प्रश्न नंबर दो जॉडी वॉज फील्ड विद इमोशन आफ्टर द आफ्टर ही फाउंड द फान हिरन के बच्चे को खोज लेने के बाद जॉडी भावुक हो उठा कैन यू फाइंड एट लीस्ट थ्री वर्ड्स और फ्रेज विच शो हाउ ही फेल्ट क्या आप कम से कम तीन ऐसे शब्द या शब्द समूह ढूंढ सकते हो जो यह दर्शाते हैं कि उसने कैसा अनुभव किया आंसर उत्तर, स्टार्टल्ड, गया, टम्बल्ड बैकवर्ड पीछे की ओर लड़खड़ा गया द टच मेड हिम डेलिरियस, स्पर्श ने उसे बहुत अधिक उत्तेजित कर दिया क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डिड द फॉन् ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द ग्राउंड हिरन ने कमंडल में से दूध कैसे पिया आंसर एट फर्स्ट द फान सट मिल्क फ्रॉम जॉडिस मिल्क सॉफ्ट फिंगर्स इट सॉफ्ट The fingers greedily. Then Jody dipped his, his fingers in the milk. The fawn followed them and its mouth reached the level of the milk in the gourd. It sucked and soon it was content. Answer Uttar At first, the fawn sucked milk from Jody's milk soaked fingers. सबसे पहले हिरन के बच्चे ने जॉडी की दूध से लबालब उंगलियों को चूसा इट सॉक्ट द फिंगर्स ग्रीडिली इसने बहुत तेजी से उंगलियां चूसी देन जॉडी हिज फिंगर्स इन द मिल्क तब जॉडी ने अपनी उंगलियां दूध में डुबो दी द फॉन फॉलोड दैम एंड इट्स माउथ रीच्ड द लेवल ऑफ द मिल्क इन द गॉड हिरन के बच्चे ने उनका पीछा किया और उसका मुंह कमंडल में दूध के स्तर पर पहुंच गया इट सोन इट वॉज कंटेंट इसने दूध पिया और शीघ्र ही संतुष्ट हो गया कंटेंट मींस संतुष्ट हो गया क्वेश्चन नंबर फोर Why didn't द fawn फॉलो जॉडी up द स्टेप्स as ही हैड thought इट वुड हिरन का बच्चा जॉडी के पीछे सीढ़ियों पर क्यों नहीं गया जैसा कि जॉडी ने सोचा था वह करेगा आंसर द फॉन्स लेग्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड टू गो अप द स्टेप्स सो इट डिड नॉट फॉलो जॉडी हिरन के बच्चे की टांगे इतनी मजबूत नहीं थी कि वह सीढ़ियां चढ़ पाता सो इट डि नॉट फॉलो जॉडी इसलिए वह जॉडी का के पीछे नहीं गया वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन वाई डिड पेनी बेक्सर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फान एंड रेज इट पेनी बैक्स्टर ने जॉडी को हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए जाने तथा पालन पोषण की करने की अनुमति क्यों दी आंसर द फॉन्स मदर हैड सेव्ड पैनी बैक्स्टर्स लाइफ शी वाज किल्ड फॉर द पर्पस नाउ द फॉन वाज मदरलेस इट नीडेड केयर पैनी थॉट इट टू बी अनग्रेटफुल To save, to leave the fawn to starve. So Penny allowed his son Jody to go find the fawn and raise it. Answer, Uttar, the fawn's mother had saved Penny Baxter's life. Yuva Hiran ki maa Penny Baxter ki Jan Bachaiti. thi. शी वॉज किल्ड फॉर द परपज इस उद्देश्य से इसे मार दिया गया था नाव द फान वॉज मदरलेस अब बच्चे की माँ नहीं रही थी इट नीड इट केयर इसे देखभाल की जरूरत थी पैनी थाट इट टू बी अनग्रेटफुल टू लीव द फॉन स्टर। पैनी ने सोचा कि बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ देना होगी सोपे अलाउड हिस्सन जॉडी टू गो फाइंड द एंड रेज़ इट इसलिए उसने जॉडी को उसे ढूंढने के लिए जाने तथा उसका पालन पोषण करने की अनुमति दी क्वेश्चन नंबर टू वट इट डॉग विल्सन न ही सेट नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री डॉक्टर विल्सन का यह कहने, का, कहने से क्या अभिप्राय था कि संसार कुछ में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता आंसर डॉक्टर विल्सन मींट टू से दैट एवरी सर्विस इन दिस वर्ल्ड demand something in return. So it was the duty of the Penny's family to look after the dose fan which had saved Penny's life with her life. Answer Uttar. Dr. Wilson meant to say that every service in this world demands something in return. डॉक्टर विल्सन के कहने का अभिप्राय यह था कि संसार में प्रत्येक सेवा बदले में कुछ मांगती है सो इट वॉज़ द ड्यूटी ऑफ द पेनीज फैमिली टू लुक आफ्टर द डोज फान विच हैड सेव्ड पैनीज लाइफ विद हर लाइफ इसलिए पेनी के परिवार का यह कर्तव्य था कि वे हरिने के बच्चे की देखभाल करते जिसने अपने प्राणों से पेनी के प्राण बचाए थे क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डज जॉडी लुक आफ्टर द फान आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस हिरन के बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी ले लेने के बाद जॉडी ने उसकी देखभाल कैसे की आंसर उत्तर जॉडी लुक्ड आफ्टर द फान विद मदरली लव एंड अफेक्शन ही टॉट इट हाउ टू वॉक एंड सक मिल्क आंसर उत्तर जॉडी लुक्ड आफ्टर द फान विद मदरली लव एंड अफेक्शन जॉडी ने हिरन के बच्चे की देखभाल माँ जैसे प्रेम एवं दुलार के साथ की ही टॉट इट हाउ टू वॉक एंड सक मिल्क उसने उसे चलना तथा दूध पीना सिखाया क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डज डजीज मदर रिएक्ट वेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फॉन होम

जब वह यह सुनती है कि जॉडी हिरन के बच्चे को घर ला रहा है वाई शी रिएक्ट इन दिस वे इस प्रकार की प्रतिक्रिया वह क्यों करती है आंसर उत्तर जॉडिस मदर इज सरप्राइज टू हियर दिस शी वॉज प्योरिंग कॉफी एक्ट

शी वॉज प्योरिंग कॉफ़ी एट दैट टाइम उस समय वह कॉफ़ी डाल रही थी शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर वह कॉफी से बर्तन को हाथ में थामे रखती है शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली वह इसे ला लाचारी से नीचे रखती है शी सीज दैट दे हैव गॉट नथिंग टू फीड द फान वह कहती है उनके पास हिरन के बच्चे की को खिलाने के लिए कुछ नहीं है जॉडी विल है तो गिव मिल्क ऑफिज ऑन शेयर जॉडी को ही अपने हिस्से का दूध उसे देना होगा शी रिएक्ट्स इन दिस वे बिकॉज शी इज़ सेल्फिश वह इस प्रकार की प्रतिक्रिया इसलिए करती है क्योंकि वह स्वार्थी है शी डज़ नॉट नो दैल्यू ऑफ़ सेक्रीफाइस वह बलिदान का मूल्य नहीं जानती है थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी थैंक यू वेरी मच